गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बालकों, नए वर्ष में आप सभी को बधाई शुभकामना। आप लोग मेहनत करें और अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं। हमें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एक ही काम करना है, कठिन परिश्रम, मोर प्रैक्टिस। हमारे JMD क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपके सुनहरे भविष्य के लिए जो भी जरूरी रहेगा, वे हमारा जो भी योगदान रहेगा वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सृज का। सृज का मतलब होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सिक्वेंस के द्वारा हमें उस पैटर्न को समझना है कि वो सीक्वेंस क्या बोल रहा है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पूरे आसान से शुरुआत करते हैं। पहला दिया हुआ है 33, 28, 24 और यहां 19 और यहां 18। अब हमें यह समझना है कि आखिर यह सीक्वेंस में क्या पैटर्न है। हमारे सीक्वेंस में जो सीरीज में जितने हमारे क्वेश्चन बनते हैं 20-25 टाइप के टोटल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बनने के लिए तो बहुत कितना ज्यादा भी बन सकता है, पर मोस्टली ये हमारे जो 20-25 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर इन सारे पे अगर 5-5, 6-6 क्वेश्चन अच्छे से हम रिवीजन कर लेते हैं, मोर देन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें आसानी से सीरीज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आप पहला देखिए, यहाँ है 33 और यहाँ है 28। हमने देखा 33 में से अगर 5 हमने माइनस किया 28 आ गए। 28 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो हमारे 24 आ गए। यहां हमारा मिसिंग है, इस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। यहां देखिए, यह 19 है और यह 18 है, इसमें से 1 माइनस किया तो हमारा 18 आ गया। इसका मतलब है कि हमें यह बता रहा है कि यह जो हमारा पैटर्न है इसमें एक एक नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ -5 है, यहाँ -4 है और लास्ट में यहाँ -1 है। हम एक बार -3 करके देखते हैं। अगर इसमें से हमने -3 किया यानी 24 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 21। अब इस 21 में से हमने -2 किया, 21 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19। इसका मतलब हमें यह बता रहा है कि यह जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर जो है प्रीवियस वाले से एक पैटर्न पे माइनस हो रहा है। यानी पहला 33 है, इसमें से 5 माइनस हुआ 28, 28 में से 4 माइनस हुआ 24, 24 में से 3 माइनस हुआ 21, 21 में से 2 माइनस हुआ 19, 19 में से 1 माइनस हुआ 18। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 8, 17, 36 और 75 और यहां पे हमारा मिसिंग है। अब हमें सबसे पहले इस पैटर्न को समझना है कि जो गिवेन हमारा पैटर्न है वह पैटर्न हमारा कौन से सीक्वेंस पे चल रहा है।
अगर हमने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया तो हम आसानी से इस सीरीज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर देखा, यहाँ 8 है और यहाँ पे 17 है। हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ 16 आ गया। पर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 17 है, तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 1। तो इसमें अगर हमने 1 प्लस किया तो नंबर हमारा कितने आ गए, 17। नेक्स्ट हमारा नंबर है 36। अगर हमने यहाँ 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 34। अब 34 में क्या प्लस किया जाएगी, 36 हो यानी 2। हमने यहाँ 2 प्लस किया, ये हमारा क्या हो गया, 36। इसका मतलब है जो हमारा पैटर्न बन रहा है उसमें जस्ट प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें एक सीक्वेंस में पहले में 1 प्लस करना है, दूसरे में सेकंड प्लस करना है, तो तीसरे में 3 प्लस करना है। यह हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि सीरीज के जितने क्वेश्चन होते हैं सारे हमारे सीक्वेंस होते हैं। अब हमें सीक्वेंस को समझना है कि वो प्लस करके हो रहा है, मल्टीप्लाई करके हो रहा है, डिवाइड होके कर रहा है, ठीक है, या एडिशन होके हो रहा है। इसमें चार ही हमारा ऑपरेशन होगा, या तो प्लस या माइनस या डिवीजन, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं, यहाँ 36 है, 36 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 1 है 2 है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 3। 36 टू जा 72 प्लस 3 हमारे कितने आ गए, 75। अब हमें यहाँ 75 तक तो गिवेन है, हमारा नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वह हमारा मिसिंग है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें यह पैटर्न पता लग गया कि हमें प्रीवियस नंबर को डबल करना है, फर्स्ट में 1 को प्लस करना है, सेकेंड है प्रीवियस को डबल कीजिए और इसमें 2 प्लस कीजिए, थर्ड जो है प्रीवियस को डबल कीजिए और 3 प्लस कीजिए, तो जब फोर्थ हमारा फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस को डबल कीजिए, 75 मल्टीप्लाई 2 और इसमें 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 154। यानी नेक्स्ट जो हमारा सीक्वेंस आएगा उसका नंबर क्या हो जाएगा, 154। यानी सेकंड का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 154। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2, 7, 27, 107। अब हम पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 2 है, 7 है, 27 है, 107 है, और नेक्स्ट हमारा क्या सीक्वेंस होगा, यानी कौन सा नंबर होगा। अब हमें इस पैटर्न को समझना है कि आखिर यह पैटर्न किस बेसिस पे पैटर्न हमारा चल रहा है, यानी सीक्वेंस का सीरीज क्या है। हमने देखा कि अगर यह नंबर फर्स्ट 2 है, अगर 2 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारा 7 आ जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है जो 7 आ गया, 7 को लिखिए प्लस, ये हमारा 5 है, अगर इस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 5, 4 जा 20 यानी कितने हो गए, 27।
यानी हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि प्रीवियस जो नंबर दिया हुआ है 2 + 5 या 7 हो गया। हमने नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए 7 को प्लस किया या 5 लिखा और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारा टोटल आ गया है 27। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 27 को, क्या लिखेंगे 27। हमने इसमें 5 को लिया था तो इसमें हम किसको लेंगे 20 को, 20 × 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया 27, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 80 हो जाएगा। जब 80 में 27 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 107। अब 107 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, तो हम पैटर्न को देख रहे हैं कि पहले 2 + 5 किया या 7 हो गया। नेक्स्ट निकालने के लिए यह जो एडिशन आया है फाइनल, इस 7 को लिखा, यहाँ जो 5 प्लस की दिए थे 5 × 4, यह नंबर आ गया 27। पुनः इस 27 को हमने लिखा। अब इसमें जो 20 हमारा है इस 20 को लिखा और नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई किया 4, यानी मल्टीप्लाई हमारा 4 का सीक्वेंस आ रहा है, क्या रहा है 4 का। और जो नंबर इसमें हम लिख चुके हैं उस नंबर को दूसरे में नहीं लिखना है, यानी हमने 27 को यहाँ लिख दिया है तो इस दोनों नंबर में 27 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो कौन सा मेंशन नहीं है 80। तो जो नंबर मेंशन नहीं है उसी नंबर को लिखेंगे, यानी जो एक बार नंबर मेंशन हो गया है उसको नेक्स्ट सीक्वेंस में नहीं लिखना है। तो इसको लिखिए 107 प्लस या 80 है, 80 × 4, यानी सीक्वेंस हमारा 4 4 4, ये सीक्वेंस जा रहा है। तो लिखिए इसको 107 8 × 4 = 32, 0, 7 2 3 + 1 4, यानी फाइनली हमारा नंबर क्या आ गया 427। यानी इस क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 427। फिर से इस सीक्वेंस को आप लोग समझिए, हमारा फर्स्ट नंबर 2 दिया हुआ है, सेकंड 7, 27, 107 और फोर्थ पे कौन सा नंबर आएगा इसको फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, 2 में 5 को प्लस किया, 2 + 5 7 आ गया। जो 7 हमारा फाइनल आंसर आया है उस 7 को हमने यहाँ लिखा, उसके बाद यह 5 था हमने 5 को लिखा और 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 = 20, 7 + 20 = 27। अब इस 7 और 27 में 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो नेक्स्ट सीक्वेंस में इस 7 को मेंशन नहीं करेंगे, हम किसको मेंशन करेंगे 20 को। और ये टोटल तो है ही, तो टोटल हमने यहाँ 27 लिख दिया प्लस इस दोनों नंबर में 7 तो यहाँ मेंशन है, 20 मेंशन नहीं है, 20 को हमने यहाँ लिखा और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा 27 + 80 आ गया 107। अब यह 27 इसमें ऑलरेडी मेंशन है पर 80 मेंशन नहीं है, तो नेक्स्ट जब पैटर्न लिखेंगे तो 107 प्लस इस दोनों में 27 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो हमने 80 को लिखा, 80 × 4, तो 107 + 320, दोनों को प्लस करेंगे नंबर आ जाएगा 427, ठीक है। तो जो सीरीज के हमारे क्वेश्चन होते हैं इस पे हर टाइप पे हम 5 से लेके 7 क्वेश्चन अगर
मोर देन प्रैक्टिस करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बने रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा हम इमिडिएटली उसको देखने के बाद दो तीन कॉन्सेप्ट उस पर लगाने की कोशिश करेंगे, हमें फाइंड आउट, हमें पता लग जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से यह सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।